हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद एकेएस। पेयर ऑफ द वर्ड्स के सीरीज का आज का पेयर है इम्प्लाई एंड इन्फर। ये वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे, पर क्या आपको इन दोनों वर्ड्स के रियल डिफरेंस की जानकारी है? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाई एंड इन्फर। इम्प्लाई का मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट इवन सेइंग इट डायरेक्टली। जैसे रूल्स आर इम्प्लाइड, जैसे लॉज आर इम्प्लाइड, एंड एवरी वन एल्स हैज टू सिंपली फॉलो इट विदाउट इवन सम वन हैविंग टू टेल यू अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पब्लिक एरिया में हैं, कोई आपको बताता नहीं है कि आपको पब्लिक एरिया में बिहेव कैसे करना है, आप जोर से बात नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। ये जो सारे रूल्स हैं ये इम्प्लाइड रूल्स हैं, किसी ने आपको बताया नहीं है कि आपको बिहेव कैसे करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाई। फॉर एग्जाम्पल, His tone implied that he was unhappy with the decision. On the contrary, infer का मतलब होता है किसी नतीजे पे आना, okay? कोई decision लेना basis some evidence, basis some reasoning. So कोई decision जब हम लेते हैं, किसी conclusion पर जब हम आते हैं basis some evidence or basis some reasoning, that is called as infer. For example, from her reaction, he inferred that she did not like the gift. So this is what is to infer. And now it's time for a quick quiz. Please write your answers in the comments below. आपको मिलूंगी मैं एक और pair of words के साथ।